डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रिड्स मेजर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ लॉजिस्टिक रिग्रेशन, जो कि यूज किया जाता है सुपरवाइज लर्निंग के अंदर और उसमें भी क्लासिफिकेशन मॉडल के अंदर यूज किया जाता है, जहां पे हमें प्रिडिक्ट करना होता है क्लासेस के बारे में। सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है ईमेल वाला, कि क्या ईमेल स्पैम है या नॉट स्पैम है। अगर मैं आपको कोई सिम्टम दे दूं किसी पर्टिकुलर डिसीज का, तो क्या डिसीज है या डिसीज नहीं है। जब भी हमें कैटेगरी को डिसाइड करना होता है कि है या नहीं है काइंड ऑफ, तो वो होती है आपकी क्लासिफिकेशन। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जैसे अगर आपने लीनियर रिग्रेशन के बारे में पढ़ा हो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बनाई है। लीनियर रिग्रेशन में हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं वैल्यूज को, वो रिग्रेशन के अंदर आता है। उसमें हमारे पास जो था वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कॉन्सेप्ट था और डिपेंडेंट वेरिएबल का। यहां भी वही कॉन्सेप्ट है कि एक हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और दूसरा हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब देखो, डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसको हम प्रिडिक्ट करने वाले हैं, मतलब प्रिडिक्ट जिसको करते हैं, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो हेल्प करता है प्रिडिक्ट करने में। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीपल भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही है, ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो है वो आपका एक ही होता है जिसको हमने प्रिडिक्ट करना है। तो इस एग्जांपल में मैं स्टडी आवर्स ले रहा हूं, कि स्टडी आवर्स मतलब 2 घंटे पढ़ रहा है कोई, 4 घंटे कोई, 6 घंटे कोई, 8 घंटे, और एग्जाम का रिजल्ट। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या ध्यान में रखनी है, जो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, जो लीनियर रिग्रेशन है ना, लीनियर रिग्रेशन में हमारे पास ये जो वेरिएबल होता है, ये डेटा जो है वो कंटीन्यूअस होता है। यहां पे भी कंटीन्यूअस है, 2, 3, 4, 5 लाइक दिस। लेकिन ये जो डेटा है ना, ये इंपॉर्टेंट है, जो हम प्रेडिक्ट करने वाले हैं, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो डेटा होता है आपका कैटेगोरियल। कैटेगोरियल मतलब काइंड ऑफ डिस्क्रीट डेटा, बाइनरी डेटा, 0 या 1 की फॉर्म में, यस या नो की फॉर्म में, चीज होगी या नहीं होगी की फॉर्म में होगा ये वाला डेटा। तो इसीलिए जो भी हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल की हेल्प से हम लोग क्या पता करेंगे कि या तो ये चीज होगी या ये चीज नहीं होगी। कैटेगरी डिसाइड कर रहे हैं ना, कि या तो वो इस कैटेगरी में आएगा या इस कैटेगरी में आएगा। जैसे अब यहां पे आपको कोई दे दे कि लेट्स सपोज आपके पास डेटा, आपने इस डेटा को यूज किया, ट्रेन किया, मॉडल ट्रेन कर दिया। अब उसके बाद आपने प्रिडिक्ट करना है कि यार एक बंदा है जो 5 घंटे पढ़ता है, हालांकि पढ़ते कम ही है इतनी देर, लेकिन लेट्स सपोज एक स्टूडेंट है जो 5 घंटे पढ़ता है, तो प्रिडिक्ट करो कि वो पास होगा या फेल होगा। और लेट्स सपोज अगर मैंने 0 को फेल मान रखा है और 1 को पास मान रखा है, तो मेरे को ये फाइंड आउट करना है कि वो फेल की कैटेगरी में आएगा या पास की कैटेगरी में आएगा। और ऐसे ही एक और स्टूडेंट है जो 1.5 घंटे पढ़ता है, तो क्या वो फेल की कैटेगरी में आएगा या पास की कैटेगरी में आएगा। तो हमें यहां पे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि 0 मतलब फेल, 1 मतलब पास। तो अगर लेट्स सपोज मेरी प्रोबेबिलिटी आती है 0.8, तो यानी वो किसके नियरेस्ट होगी, पास वाले के नियरेस्ट होगी। अगर लेट्स सपोज आती है 0.2, तो वो किसके नियरेस्ट होगी, फेल वाले के नियरेस्ट। तो ये एक तरह से प्रोबेबिलिटी इवेंट जो है वो हमें फाइंड आउट करना है, और 0 और 1 की फॉर्म में हमारा जो है वो रिजल्ट आता है। तो यहां पे जो है वो आपको जो सिग्मॉइड फंक्शन जो है वो यूज किया जाता है। ये जो सिग्मॉइड फंक्शन है, ये क्या कहता है, जो मेरा वाई है, ये एक्चुअल में क्या है, ये आपका प्रिडिक्टिंग वेरिएबल है। मतलब प्रिडिक्टिंग वेरिएबल की जो वैल्यू है वो हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। और हमेशा याद रखना कि वाई की जो भी वैल्यू आएगी, सिग्मॉइड फंक्शन, जो सिग्मॉइड फंक्शन का बेसिकली पर्पज ही है कि सिग्मॉइड फंक्शन जो वैल्यूज आएगी ना यहाँ पे, वो सारी वैल्यूज 0 या 1 के बीच में ही देगा। 0 मतलब आपकी लोएस्ट और 1 मतलब हाईएस्ट, तो उसके बीच में ही वैल्यू देगा। और ये मेरा 1 डिवाइड बाय 1 प्लस ई, ये आपको पता ही ऑलरेडी, माइनस ए नॉट। ए नॉट एक्चुअल में क्या है यहाँ पे, ए नॉट यहाँ पे इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट जैसे लीनियर रिग्रेशन अगर आपने पढ़ा है, तो वहां पे भी मैंने इंटरसेप्ट के बारे में बताया था। इंटरसेप्ट मतलब होता है कि अगर मैं एक्स की वैल्यू को 0 ले लूं, तो वाई की वैल्यू कहां पे इंटरसेप्ट कर रही है, ग्राफ के अंदर। और यहां पे एक A1 जो है वो हमारे पास क्या कहलाता है, कॉफिशियंट है, कि अगर मैं एक्स की वैल्यू को 1 इंक्रीमेंट करता हूं, तो वाई की वैल्यू में कितना इफेक्ट पड़ता है, दैट इज द मीनिंग ऑफ A1। मतलब एक्स की वैल्यू अगर मैं 1 बढ़ा दूं या 1 कम कर दूं, तो वाई की वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ता है उस चीज का, तो वो होता है आपका कॉफिशियंट A1। और यहां पे एक्स क्या है, एक्स जो है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे हमने यहां पे आर स्टडी लिया ना, इंडिपेंडेंट, मल्टीपल भी हो सकते हैं, बट यहां पे सिंपलेस्ट एग्जांपल से समझा रहा हूं। तो यहां पे एक्स आपका एक तरह से यहां आ गया, विच इज व्हाट स्टडी आर्स, भाई मैंने बोला ना इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट आपका वेरिएबल यहां पे आ गया कि कितने घंटे हम लोग पढ़ रहे हैं। और यहां पे हमारे पास क्या आ गया, वाई, वाई क्या है आपका, एग्जाम का रिजल्ट। अब एग्जाम का रिजल्ट यहां पे कंटीन्यूअस नहीं है, मतलब 2, 3, 4, 5 लाइक दिस नहीं है, यहां पे एग्जाम का रिजल्ट है या तो 0 या फिर 1।
समझ गए, पास या फिर फेल। तो वैल्यू जो है वो जीरो और वन के बीच में लाई करेगी, तो ये एक तरह से क्या हो गया, ये उसकी हाफ वैल्यू होगी 0.5। तो एक तरह से क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है दो क्लासेस में, समझ में आया, दो क्लासेस में डिवाइड कर दिया। अगर अपर क्लास में कोई वैल्यू जा रही है तो इट मींस उसके चांसेस है पास होने के, और अगर लोअर में जा रही है तो उसके चांसेस है फेल होने के। यही तो क्लासिफिकेशन है, हमें क्लास फाइंड आउट करनी है कि वो इसमें या इसमें, इधर या फिर उधर। बस ये चीज जो है वो आपकी लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है वो वर्क करता है इस पर्टिकुलर सिग्मॉइड वैल्यू पे। अब यहाँ पे लेट्स सपोज मेरी कुछ वैल्यूज यहाँ पे लाई कर रही हैं, मतलब नीचे वाली वैल्यू पे जीरो और कुछ वैल्यू मेरी अपर वैल्यू पे लाई कर रही हैं। अब लेट्स सपोज ये मेरा ट्रेनिंग डेटा था, अब मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, लेट्स सपोज मैंने कह दिया कि एक स्टूडेंट आया जो 5 आवर्स पढ़ता है, मतलब एक्स की वैल्यू मेरी क्या हो गई 5, क्योंकि स्टडी आवर्स कितने हैं 5। अब यहाँ पे आप बोलोगे सर ए नॉट और ए वन की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो मेरा इंटरसेप्ट है ये मेरा कॉफिशियंट है, इसकी वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो गाइज इसकी वैल्यू को मैं फर्दर वीडियो में आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, क्योंकि ये एक्चुअल में वर्क करता है आपका मैक्सिमम लाइकलीहुड एस्टिमेशन के ऊपर, मैक्सिमम लाइकलीहुड एस्टिमेशन के ऊपर, और फिर उसमें भी आगे कॉस्ट फंक्शन को बार बार ऑप्टिमाइज करना पड़ता है ग्रेडियंट डिसेंट मेथड से या स्पेशलाइज्ड सॉल्वर मेथड से। तो अपने आप में काफी मैथमेटिक्स है, वो मैं फर्दर बताऊंगा। अभी घबराना नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है इसके ऊपर न्यूमेरिकल, तो आपको ये वैल्यूज जो है वो देंगे, ये वैल्यूज आपको देंगे कि यार ए नॉट की वैल्यू ये है, ए वन की वैल्यू ये है। लेकिन लीनियर रिग्रेशन वाली अगर मेरी वीडियो देखो तो उसमें मैंने प्रॉपर कैलकुलेट करके दिखाई है। यहां पे अभी मैं फर्दर में दिखाऊंगा, क्योंकि अपने आप में काफी टाइम कंज्यूमिंग टास्क है। तो यहां पे सिर्फ नोट कर लो कि जो मैक्सिमम लाइकलीहुड एस्टिमेशन है उस मेथड को यूज किया जाता है, फिर कॉस्ट एस्टिमेशन को और उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए ग्रेडियंट डिसेंट मेथड को यूज करके हमें कुछ वैल्यूज जो है वो मिलती हैं। तो ऑप्टिमाइजर ने मेरे को वैल्यू दे दी कि यहां पे ये मेरी वैल्यू क्या है, -1.5, ए नॉट की वैल्यू मेरे को दे दी -1.5 और ए वन की वैल्यू मेरे को दे दी 0.6। मतलब ऑप्टिमाइज करके, कॉस्ट को बार बार ऑप्टिमाइज करके, आइटरेटिव मेथड को यूज कर करके मुझे एक बेस्ट वैल्यू मिल गई ए नॉट और ए वन की। अब हमें क्या करनी है, बस उस वैल्यू को यहां पे पुट करना है, यहां पे पुट करना है। लेट्स सपोज एक्स की वैल्यू, मतलब एक स्टूडेंट आया जो कहता है मैं 5 घंटे पढ़ता हूं, तो पुट कर दो ए नॉट की वैल्यू क्या है -1.5 प्लस ए वन की वैल्यू क्या है 0.6 इंटू 5 करोगे, तो जब इसकी वैल्यू कैलकुलेट की तो 1.5 आ जाएगा, और 1.5 को यहां पे पुट कर दो, मतलब इस पूरी की वैल्यू क्या आ गई 1.5। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे एक तरह से क्या आ गया, 1/(e^-1.5), क्योंकि माइनस है ना आगे, तो 1.5 इसकी वैल्यू आई थी अंदर वाली। इसको आप जेड मान लो अगर, तो जेड की वैल्यू ये पूरी कितनी आई आपकी 1.5। तो ये अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये कैलकुलेट करके अराउंड इसका रिजल्ट आएगा 0.818, मतलब 81% चांसेस है, मतलब 81 से भी ज्यादा ही है, तकरीबन 81 या 82% चांसेस है कि अगर इतने घंटे पढ़ता है तो वो पास हो जाएगा। और देखो 81.81, अगर ये मेरा 1 है, ये मेरा 0 है, ये 0.5 है, तो 81 आप कह सकते हो कि तकरीबन यहां पे मेरी लाई कर रही है 0.818। तो यानी ये किस कैटेगरी में आ रही है, पास वाली कैटेगरी में आ रहा है। यही तो क्लासिफिकेशन है। तो एक जनरल मॉडल आपको यहां पे बता रहा हूं। ऐसे अगर कोई स्टूडेंट कहता है जी मैं तो 1.5 आवर्स पढ़ता हूं, मतलब मैं तो 1.5 घंटे पढ़ता हूं, तो बताओ जी अगर आप 1.5 घंटे पढ़ते हो तो फिर वैल्यू पुट कर दो -1.5 प्लस 0.6 × 1.5। अगर आप इसको करोगे तो ये आपका आ जाएगा -1.5 प्लस 0.9 -0.6 इसका आंसर आ जाएगा। और अगर आप इस वैल्यू को यहां पे पुट करते हो तो ये क्या आ जाएगा, 1/(1+e^-, माइनस है बाहर और अंदर भी माइनस है, तो एक तरह से प्लस हो गया 0.6। तो ये अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आपका रिजल्ट जो है वो तकरीबन आएगा 0.35 समथिंग, मतलब ये 0.35 अगर आप कहोगे, यानी उसके 30-35% चांसेस है पास होने के। तो यानी वो एक तरह से 0.5 के नीचे आ गई वैल्यू, यानी यहां पे कहीं पे लाई करेगा, तो यानी वो एक तरह से कैटेगरी किस में आ गया, काइंड ऑफ फेल होने के चांसेस है उसके, ये पास क्योंकि 0.5 से अबव ये लो। तो ये इस तरीके से कैटेगरी जो है वो डिसाइड करता है, क्लासिफाई करता है पर्टिकुलर डेटा को, प्रेडिक्ट करता है वैल्यूज को। बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना, लीनियर रिग्रेशन से ये अलग है, क्योंकि इसमें जो प्रेडिक्टिंग वेरिएबल है, जिसको हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, वो कैटेगरी बेस्ड है, हां या ना, लेकिन लीनियर रिग्रेशन में वो कंटिन्यूटी में था। जैसे
प्राइस हाइक हो रहे हैं या प्राइस कम हो रहे हैं बेस्ड ऑन घर के साइज, मतलब अगर आपको घर का साइज दे दें और एक में दे दें आपको घर का प्राइस, तो उसमें घर का प्राइस येस और नो नहीं होता। अगर घर का साइज है 100 स्क्वायर फुट, तो लेट सपोज 1 लाख का घर है, 200 स्क्वायर फुट तो 2 लाख का, 300 स्क्वायर फुट तो 5 लाख का, तो यानी वो वैल्यू येस और नो में नहीं होती, वो कैटेगरी बेस्ड नहीं होती, वो कॉन्टिन्यूस होती है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो बेसिक आप याद रखना, आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्लासीफाई करते हैं यूजिंग दिस लॉजिस्टिक रिग्रेशन। थैंक यू।